हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन द सीरीज ऑफ सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टुडेज अवर टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. यस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हर बार क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से आए हुए हैं. 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं आपके, सो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मंथली इनकम ऑफ पैटर एंड पोल आर इन रेशियो 4:3 एंड देयर एक्सपेंसिस आर इन रेशियो 3:2. इफ ईच सेव 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ, देयर मंथली इनकम्स रेस्पेक्टिवली आर. यस, we want to find out the monthly income of both persons. Yes, this question was asked in 2015. अब ये जो टाइप है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 के अंदर भी अगेन ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कैसे बाय शॉर्टकट कैसे करोगे और डिटेल में दोनों में मैं आपको बता रही हूँ. तो देखो, अगर हम वैसे देखते हैं तो जब रेशियो के अंदर कोई भी वैल्यू गिवन होते हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कोई भी एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यस, ये पॉइंट सभी को क्लियर है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम है पैटर एंड पॉल की, दिस इज 4x एंड दिस इज 3x. आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. अब बात करते हैं हम एक्सपेंस की. अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या कह रहा है, 3:2. जब एक्सपेंस है तो उसके लिए भी कोई ना कोई आपका एक वेरिएबल होगा. तो हम ये मान के चलते हैं दिस इज 3y एंड दिस इज 2y. एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट द सेविंग इज 6,000 फॉर बोथ. सो सेविंग मीन्स व्हाट, इनकम माइनस एक्सपेंस. सो फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो गया, हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6,000. एंड इन द केस ऑफ पॉल दिस इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6,000. यस, ये है. अब इसको आपने सॉल्व करना, दो आपके पास इक्वेशन आ गई है. देन क्या करेंगे हम, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 के साथ और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, ठीक है. तो इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, दिस इज 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 18,000. एंड इन दिस केस दिस इज 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 24. यस, माइनस प्लस माइनस, अगर मैं माइनस करती हूँ देन y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 6,000 आ गया. यस, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6,000. ओके, यस, फ्रॉम हेयर by putting the value of y in any equation, this or this, अगर हम दोनों में किसी में भी put करते हैं तो x की value आ जाएगी आपके पास. so x की value अगेन कितनी आ गई हमारे पास में 6,000. अब उसने कहा कि इनकम बतानी है, इनकम देखिए यहाँ पे जो पैटर है दैट इज 4x, इसको अगर मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करती हूँ 4x की वैल्यू हमारे पास 6,000 तो कितनी हो जाएगी, 24,000 हो जाएगी. सेम वे अगर हम इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, 3x है, x की वैल्यू है 6,000, सो दिस विल बी व्हाट, 18,000. यस, सो आंसर विल बी 24,000 एंड 18,000. बट यहाँ पे आप देखो कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी, कैलकुलेशन बढ़ गई है. अब मैं इसके लिए ट्रिक बताती हूँ आपको क्योंकि ये जो टाइप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यस, देखिए एग्जाम में आई हुई है, एक तो इंपॉर्टेंट बनती है और एक ये है कि हाँ जी रिपीट हो रही है इस तरह की टाइप एग्जाम्स के अंदर, दैट मीन्स दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो अब इसके ऊपर हम शॉर्टकट से करें तो कैसे करेंगे. यस, शॉर्टकट ध्यान से समझना है सभी ने. यस, ट्रिक क्या कह रही है आपके पास में, देयर आर 2 पर्सन, वन इज बेटर एंड द सेकेंड वन इज पोर. इनकम की रेशियो क्या है आपके पास, इनकम की रेशियो आपके पास 4:3 एंड एक्सपेंस की रेशियो क्या है 3:2 एंड बोथ आर सेविंग 6,000 rupees. दैट मीन्स कि इनकम माइनस एक्सपेंस अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है 6,000. नाउ जिसकी भी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं मान लो मैं क्या चाहती हूँ, इनकम फाइंड आउट करनी है मुझे किसकी, पैटर की.
तो हम देखिए कैसे करेंगे, दिस डिफरेंस, यस, जो भी आपके पास सेविंग है, ठीक है, सेविंग इनटू पैटर का देखो क्या है वैल्यू, 4 इनटू डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, 9 माइनस 8 1 कितना आ गया आपके पास, 24। यस, डायरेक्ट आ गया, कोई इक्वेशन बनाई मैंने नहीं। दूसरा देखिए, इनकम ऑफ पॉल, अगेन सेविंग इनटू रेशियो ऑफ पॉल, दिस इज 3 इनटू डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस, अगेन 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, ओके, तो यहां पे अपने पास में कितना आ गया, 18,000। यस, आंसर इज 24,000 एंड 18,000। आई होप इट इज क्लियर। क्या किया हमने, देखो इनकम की रेशियो ली, एक्सपेंस की रेशियो ली, सिंपल है। दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस सेम है, क्या है, 6,000 डिफरेंस। किसका, जो मेरी पहली रेशियो है और जो मेरी दूसरी रेशियो है, सेविंग का है ना, उसने सेविंग मींस व्हाट, डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, तो दोनों केसेस में कितनी है, 6,000, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिया कि जितना भी मेरे पास में यहाँ पे सेविंग है वो इनटू इनटू व्हाट, यहाँ पे आपके पास में जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे पैटर का लिया तो मैंने यहाँ पे पैटर की ले ली, ठीक है, और उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का डिफरेंस कितना है, 1, एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो गया, 8, एंड दिस विल बी 9, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको प्लस माइनस का नहीं देखना कि हाँ जी प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, डजेंट मैटर, सिंपल देखो, 1 वैल्यू इज 8, 1 वैल्यू इज 9, ठीक है, बिगर में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करोगे वो वैल्यू आपने यहाँ पे ले ली, सिंपल। अगर यहीं पे आ जाता फाइंड आउट द एक्सपेंस, ठीक है, आप एक्सपेंस लेते तो उस केस में जिसका भी एक्सपेंस फाइंड आउट करना, 6,000 इंटू दैट वैल्यू इंटू डिफरेंस ऑफ द इनकम डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, ओके, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एंड दिस वाज अगेन आस्क्ड इन 2015 का क्वेश्चन है। यस, क्या है, कह रहा है कि टू इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रेस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क, वन इज फिल 1/3, दूसरा कितना है 1/4 फिल है, ठीक है, दे आर टेकन फिल्ड विद वाटर एंड द कंटेंट आर मिक्सड इन ए पोट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पोट। यस, गुड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन कह सकते, क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन में से नहीं, बट यहाँ पे देखो सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट रेशियो का, वो क्या कह रहा है, देखो कि अगर मेरे पास में दो हैं, दो पोर्ट है, कह रहा है कि दोनों सेम, जिनकी कैपेसिटी है सेम कैपेसिटी है, यू कैन कंसिडर 1/4, कह रहा है जिसकी की हम कह सकते हैं 1 लीटर की कैपेसिटी है, और ये भी हमारे पास 1 लीटर का है, क्लियर। अब उसने कहा कि 1/4 इसके अंदर, सॉरी फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है, 1/3 इसके अंदर क्या है, मिल्क है, ठीक है, और इसके अंदर कितना है, 1/4 मिल्क है। अब कह रहा है कि दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर, फिल्ड अप विद वाटर मींस कि जो बाकी का पार्ट बचा हुआ था ना, रिमेनिंग पार्ट के अंदर उसने क्या किया, यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें वाटर फिल कर दिया, तो वाटर कितना होगा भाई, 1/3 के अंदर मिल्क है, दैट मींस कि कितना बच गया आपका, 2/3, 1 में से 1 माइनस किया कितना बच गया, 2/3, दैट मींस कि 2/3 पार्ट के अंदर क्या है, मिल्क है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई जो हमारे पास में जो 2/3 है, 2/3 पार्ट के अंदर क्या है, मिल्क है, सॉरी 2/3 के अंदर वाटर है, तो वाटर कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 2/3, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास वाटर कितना आ गया, 1/4 मिल्क है, दैट मीन्स 3/4 क्या है, वाटर है। अब कह रहा है कि दोनों को किसी को दूसरे पोर्ट के अंदर डाल दिया, तो अब देखो कि मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क इसके अंदर कितना है, 1/3 है, ठीक है, और इसमें कितना है, 1/4, जब सारा मिक्स हो गया तो मिल्क सारा एक में ही आ गया ना, ठीक है। सेम वे अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये कितना है, 2/3, और ये कितना है इसमें, 3/4। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर की रेशियो क्या है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 4, 3, 7/12, इसके अंदर करेंगे 8, 8 एंड 9, 17/12,
12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, रेशियो इज 7:17, सो आंसर विल बी 7:17. सिंपल क्वेश्चन था, यस सिंपल. देखो फर्स्ट के अंदर मिल्क जो फर्स्ट है मेरा, उसके अंदर मिल्क की मैं बात करूं, हाँ जी ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है. मिल्क कितना है, 1/3 है, तो वाटर कितना है हमारे पास में, 2/3 है, यस yes. दूसरे के अंदर अगर हम सेकंड के अंदर बात करें, तो सेकंड के अंदर मिल्क कितना है, 1/4 है, तो वाटर कितना है, 3/4. भाई जब सभी को मिक्स कर दिया तो उस केस के अंदर मिल्क कितना हो गया, इसको मैंने ऐड किया, इसको हमने ऐड किया, कितना हो गया, ठीक है, वाटर को हमने ऐड किया, तो ये कितना हो गया, 17/12, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या आ गया, 7:17. बिल्कुल सिंपल है, यस ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द टोटल इमलमेंट ऑफ टू पर्सन आर सेम बट वन गेट अलाउंसेस ऑफ एक्सटेंट 65%. यस वन गेट अलाउंसेस ऑफ 65% ऑफ द बेसिक पे एंड द अदर गेट अलाउंसेस एक्सटेंड टू 80% ऑफ द बेसिक पे. ठीक है, दोनों को, एक को तो 65% अलाउंस मिल रहा है, दूसरे को 80, बट फिर भी दोनों के जो इनकम बन के आ रही है, दोनों के जो पास में जो पैसा है वो कितना है, इक्वल है, यही कह रहा है वो. ठीक है, द रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर, ये आपको बताना है. अब हम मान लेते हैं कि जो पहले वाला है उसकी बेसिक पे हमने मान ली कितनी, एक्स. जो फर्स्ट वन की बेसिक पे हमने ले ली एक्स, ओके okay? और वो कह रहा है कि उसके अंदर 65% उसको क्या मिल रहा है, 65% अलाउंसेस मिल रहा है, इसका 65% अलाउंसेस. तो जो ये हमारे पास में वैल्यू आई है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जो सेकंड पर्सन है मान लेते हैं उसकी है बेसिक पे वाई, सेकंड वाले की बेसिक पे कितनी है वाई, और उसको 80% अलाउंसेस मिल रहा है, दैट मींस कितना है, 80% ऑफ वाई. इज इट क्लियर? तो अब यहां से हम देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 165/100x इज इक्वल टू व्हाट, 180/100y कैंसिल आउट हो गया. सो x बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई यहां से हमारे पास, 180/165. ओके ये देखिए 15 की टेबल से चला गया ये, सो द रेशियो इज 12:11. तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू में आ गए वैल्यूज, दैट मींस कि हमारे पास रेशियो आ गए, दिस इज 12:11. इज इट क्लियर? हमने क्या कंसीडर किया, जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट है उसकी बेसिक पे है एक्स, अब उसके ऊपर उसको क्या मिल रहा है, 65% का अलाउंसेस मिल रहा है, दैट मींस दिस इज 65/100x और मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 165. ठीक है ना. अब इसी तरह से इसको 80% मिला, इसकी है वाई, तो हमने यहाँ से वैल्यूज को सॉल्व किया एंड वी गेट दिस इज 12/11. द वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई इज 12/11, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड द एक्स एंड वाई इज व्हाट, द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू लेटर. क्लियर? यस. नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी वर्क्स, 2017 का क्वेश्चन है. कह रहा है पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू. पी जो है दो पर्सन है, थ्राइस मींस अगर ये वन फास्ट, इसकी जो कैपेसिटी वन है तो इसकी क्या है, थ्री है. अगर ये वन वर्क कर सकता है तो ये थ्री वर्क कर सकता है उतने टाइम के अंदर. ओके हाँ जी. वेयर एज पी एंड क्यू टूगेदर कैन वर्क 4 times एज फास्ट एज R. If P Q R together work on the job, in what ratio should they share their earnings? Yes. अब देखो इस क्वेश्चन को आप टाइम एंड वर्क के अंडर भी ले सकते हो, बट यहाँ पे टाइम एंड वर्क का कुछ खास कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ले लिया. रीजन बींग कि यहाँ पे सिंपल सा कहा है उसने, कहा है कि जो अर्निंग है उसकी शेयरिंग जो है वो किस रेशियो में होगी, दिस इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे आप देखो कि जो बंदा ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल देखो आप, ठीक है ना. सिंपल, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसको उसी रेशियो में अर्निंग होगी, तो बस यही हमने ध्यान रखना है. तो यहाँ पे मेन क्या है कि इस रेशियो के अंदर डिवाइड करना. अब यहाँ पे क्या गिवन था, पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, दैट मीन्स द रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू इज 3:1 एंड वेयर एज पी एंड क्यू P and Q together can work 4 times as fast as R.
if we say that the capacity of R is X, then the capacity of P plus Q, means both P and Q is 4X. Yes, clear? अब यहाँ पे हमारे पास given है, the ratio of P and Q is 3:1. That means कि we divide this 4X into 3:1. अगर इसको हम 3:1 के अंदर divide करते हैं, then we get 3X and X. Okay, that means P, Q, R, the capacity of P is 3X, Q is X and R is X. Ratio find out करेंगे, this is 3:1:1. This is the ratio of the capacity and the ratio of the capacity will be equal to what? The ratio of the earning. So, answer will be 3:1:1. यहाँ पे क्या है ना, share of earning. तीनों ने काम किया, जिसने जितना काम किया उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा. तो जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी की रेशियो है, द सेम रेशियो विल बी ऑफ देयर अर्निंग. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017. यस, अभी मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया जो 2015 में आया था, देखिए रिपीट हो रहा है. यस, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वही सेम टाइप रिपीट हो रही है. क्वेश्चन सेम नहीं है, टाइप रिपीट हो रही है. क्या है? द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन रेशियो 4:3. अब यहां पे मैं शॉर्टकट से करवा रही हूं आपको. इनकम है, क्या है? 4:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंस इज 3:2 एंड ईच सेव 6000 पर मंथ. सेविंग कितनी है? 6000 की हो रही है. व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम? टोटल मंथली इनकम कह रहा है. अब यहाँ पे टोटल आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अब लास्ट के अंदर मैंने आपको जैसे वो पेटर पोल वाला क्वेश्चन था फर्स्ट, ठीक है, बैक जाके भी आप देख सकते हो. तो वहां पे हमने क्या किया, जिसकी इनकम फाइंड आउट करनी है हम उसकी वैल्यू ले लेते थे. क्या किया था हमने? 6000 इंटू जिसकी भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, इनकम फाइंड आउट. जैसे कि हमें मान लो मैं कहती हूँ एक्स की फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम 4 ले लेंगे, वाई की फाइंड आउट करनी है तो 3 ले लेंगे. बट इन आवर क्वेश्चन व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, टोटल इनकम, तो टोटल ले लेंगे. तो टोटल यहाँ पे क्या है आपके पास? 7 इंटू डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसिज रेशियो, दिस इज 1, डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस 8, 9, दिस इज 1. ओके, तो कितना आ गया आपके पास में? 42,000. सो 42,000 विल बी द करेक्ट आंसर. यस, इज इट क्लियर? प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी तो एक बार दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन, अगर एक्स वाई के मेथड से भी करना है उससे भी आप कर सकते हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप दोबारा से देख सकते हो. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए विजिबल नहीं है ये, जस्ट अ मिनट, इसको ड्रॉ कर देती हूँ मैं. हाँ जी, देखिए क्या है, एक बार ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ेंगे. दिस इज व्हीकल ए एंड दिस इज व्हीकल बी, दिस पॉइंट इज सी ओ, दिस इज टाइम एंड दिस इज पी डी एंड दिस इज एल, दिस इज के. ओके, यस, आई थिंक अब क्लियर है. हाँ जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से. क्वेश्चन क्या है, देखिए, द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी, द स्ट्रेट लाइन ओ के पी, यस दिस वन, रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए एट एनी इंस्टेंट, वेयर एज द हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन सी के डी, दिस वन, ओके, रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल बी एट एनी इंस्टेंट. इन द फिगर डी इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर ऑफ पी मीट्स हॉरिजेंटल लाइन सी के डी. यस, जो अपने पास में ये है लाइन
सी के डी, तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है. करेक्ट. सच दैट पी डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एल डी. 1/2 ऑफ एल डी मीन्स कि इसका ये हाफ है, हाफ है. दैट मीन्स कि यू कैन से कि 2PD इज इक्वल टू एल डी, और यू कैन से द रेशियो बिटवीन PD बाई एल डी इज इक्वल टू 1/2. यस, क्लियर. दैट मीन्स यू कैन से इफ दिस इज 1 देन दिस इज 2, ठीक है, एंड दिस कंप्लीट यू कैन टेक इट 3. अगर मैं इस पूरे को, यस, इसकी बात कर रही हूँ, मैं PL की बात कर रही हूँ यहाँ पे. अगर PL 3 है देन दिस इज 1/2. ओके. अब यहाँ पे मैंने 1/2 ही क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर भी मैंने 1/2 ले लिया. रीजन बिंग कि मुझे रेशियो ही फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर, आपके पास में ये नहीं है कि हाँ जी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो आप इसको सीधा 1/2 ले सकते हो. अब देखिए पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए एंड बी इन टाइम ओवरऑल ओएल. तो यहाँ पे ओएल के टाइम के अंदर कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है. अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अगर हम वेलोसिटी टाइम का हमारे पास ग्राफ है तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इन टू टाइम. यस, ये क्वेश्चन को स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम के अंदर भी आप ले सकते हैं, तो बस इसमें रेशियो का कंसेप्ट है इसलिए मैंने इसको रेशियो के अंडर लिया है, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मुझे यहाँ से स्पीड फाइंड आउट करनी है, सॉरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास में, स्पीड इंटू टाइम, और यू कैन से वेलोसिटी इंटू टाइम. ओके. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी. Given that this is velocity, ये velocity given है आपके पास में, ठीक है. तो ये velocity है, तो उस case के अंदर आप देख सकते हो कि अगर मान लो मुझे distance find out करना है, तो distance क्या होगा, this multiply by this, that means क्या है, this is the area, yes, area of this part. अब यहाँ पे देखो mensuration का concept भी use हो रहा है, क्या आएगा, area of this part, important question. क्लियर. तो अगर मैं व्हीकल ए का देखूं, तो व्हीकल ए के अंदर उसने कहा वेलोसिटी क्या है हमारी, ये है, ठीक है. तो उस केस के अंदर जो हमारा एरिया बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, डन. तो अब यहां पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड डिस्टेंस ऑफ बी, तो व्हीकल ए के द्वारा कितना होगा, ए का क्या है, ट्रायंगल है, सो दिस इज 1/2 इनटू यहां पे बेस इनटू हाइट. बेस क्या है हमारे पास में, यहां पे हम इसको टाइम को टी ले रहे हैं, हम ये मान लेते हैं दिस इज टी एंड दिस इज व्हाट, ये पूरा कितना, ये 1 है, ये 2 है, तो अभी मैंने बताया कितना है, 3. ओके. अब हम बात करें अगर सेकेंड वन की, सेकेंड क्या है, व्हीकल बी, व्हीकल बी के अंदर देखो अपने पास क्या है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, क्या बन रहा है आपके पास, एक रेक्टेंगल बन रहा है. रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या कहता है आपका, कि बेस लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, 2, तो इसको मैंने ले लिया 2. ओके. एंड टाइम को हमने क्या कंसिडर किया था, टी. ओके. टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आपका इधर चला जाएगा, सो द रेशियो विल बी 3:4. सो 3:4 विल बी द करेक्ट आंसर. यस, क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट द स्टार्ट, बी अहेड ऑफ ए एंड देयर पोजीशंस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. वेन ए रीच इज द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू दिस स्टार्टिंग पॉइंट ही मीट्स बी, वट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी. यस, अगेन द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन यू कैन से दिस इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन और स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन और ज्योमेट्री क्वेश्चन, ठीक है, बट आई कंसिडर दिस क्वेश्चन अंडर रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके. तो 2018 का क्वेश्चन है, 2018 के अंदर सारे पिक्टोरियल टाइप क्वेश्चन थे. तो अब यहाँ पे इसको भी हम देखते हैं. तो कह रहा है कि ए सर्कुलर ट्रैक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे.
लेट अस कंसीडर, क्लॉकवाइज रनिंग हो रही है, तो कह रहा है कि एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए। ए हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे है तो बी कहता है कि यहाँ पे है, और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, नाउ गिवन द क्वेश्चन दैट व्हेन ए रीचेस एट द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसके डायमेट्रिकल अगर हम अपोजिट पॉइंट देखें तो अपोजिट पॉइंट कौन सा बनेगा, ये पॉइंट ही बनेगा। ठीक है, तो जब कह रहा है कि जब ये इस पॉइंट के ऊपर ए पहुंचता है उसी टाइम पे यहाँ पे उसको कौन मिलता है, बी मिल जाता है। यस, क्लियर, यही है ना, ही मीट्स बी। दैट मीन्स कि व्हेन दे रीचेस एट दिस पॉइंट ए कवर व्हाट, 180 डिग्री। जो ए है, ए ने कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वो यहाँ तक गया 180 डिग्री, एंड बी कवर, बी ने कितना कवर किया है, सिर्फ इतना। ठीक है, दैट मीन्स कि 150 डिग्री कवर किया है, तो यहाँ पे आपके पास में जो रेशियो है, रेशियो किसकी आ जाएगी, डिस्टेंस की जो रेशियो है, डिस्टेंस की अगर मैं रेशियो देखूं किसकी, ए एंड बी की, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस की रेशियो क्या आ जाएगी, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 180 डिग्री का, और बी ने 150 डिग्री। यस, दिस इज 6:5। अब आपको पता है सभी को कि जो हमें आप सभी को पता है कि जो अपने पास में डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और यू कैन से स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है यहाँ पे मेरा, कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, स्पीड कम होगी तो कम डिस्टेंस कवर होगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ आपको अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास डिस्टेंस की जो रेशियो है, द सेम रेशियो विल बी ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है जी, आपकी स्पीड, ठीक है। तो स्पीड की रेशियो और डिस्टेंस की रेशियो दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेगी। सो आंसर क्या रहेगा आपका, 6:5। सो स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगी आपकी, अगेन 6:5। सो आंसर विल बी 6:5। यस, क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द टू डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फॉर्मड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर इज, कह रहे कितने पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं मान लूँ कि नंबर क्या है मेरा, एक्स वाई है, तो एक्स वाई है, दैट मीन्स कि द नंबर इज व्हाट, 10x प्लस वाई, एंड आफ्टर रिवर्सिंग दिस इज वाई एक्स, मीन्स व्हाट, 10y प्लस एक्स। एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट द रेशियो ऑफ द टू डिजिट नेचुरल नंबर टू द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मीन्स कि जो मेरा नंबर है और उसके रिवर्सिंग की जो नंबर है, दैट इज 4:7। यस, दिस इज गिवन। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, दिस इज 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। ओके, सो दिस विल बी 66x इज इक्वल टू 33y। दैट मीन्स यस, यू कैन से y इज इक्वल टू 2x। ये गिवन है आपके पास में, ये आ गया हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू 2x। तो अब पेयर कितने बनेंगे हमारे, यहाँ से नंबर अगर मैं बनाऊँ तो मेरा एक्चुअल नंबर क्या था, एक्स वाई। सो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं हम 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। x की वैल्यू लेते मैं अगर 2, दिस इज 4, अगर हम इसको लेते हैं 3, दिस इज 6, दिस को अगर हम 4 लेते हैं तो 8, ठीक है। अगर मैं इसको ले लूँ 5 तो क्या हो जाएगा, 10। तो टू डिजिट का नंबर हो गया, दैट मीन्स 3-डिजिट नंबर बन जाएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके पास में, 4। सो आंसर विल बी। यस, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट इज ए सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स बाई जेड इन द रेशियो 1:2, 3:4, 5:6. वट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर? यस, गुड क्वेश्चन. अगेन इट वॉज आस्क्ड इन 2020. क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर? एक्स वाई एंड जेड. एंड इन वट रेशियो? 1:2, 3:4 एंड 5:6. जब भी इस तरह से रेशियो आपकी फ्रैक्शन के अंदर गिवन है तो उस केस में हमने क्या करना है, इसको नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट कर लेना. कैसे? एक एलसीएम निकालोगे आप, तो ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 9 एंड दिस इज 10. अब ये जो 12 है ये तो सभी के नीचे है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. सो द एक्चुअल रेशियो विल बी इक्वल टू 6:9:10. ये आ गया आपके. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर? मैक्सिमम और मिनिमम का आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो आप देखो मैक्सिमम कितना है 10, मिनिमम कितना है 6. हेयर द डिफरेंस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई टोटल. टोटल देखो कितना हो गया आपके पास 15 एंड प्लस 10 25 इनटू जिस भी वैल्यू को आपको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास कितना है 2500. तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 400. क्लियर? यहीं पे अगर हमारे पास में आती वैल्यू कि हाँ जी बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स वाई एंड जेड, देन यू कैन से एक्स का शेयर कितना बन जाता है 600, दिस इज 900 एंड दिस इज 1000. ओके, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिफरेंस 1000 - 600 इज इक्वल टू 400. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम. वट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन द स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट? अगेन यू कैन कंसिडर दिस क्वेश्चन अंडर बोट एंड स्ट्रीम. ठीक है, बट यहाँ पे कोई बोट एंड स्ट्रीम का स्पेसिफिक यूज नहीं हो रहा, सो मैंने इस प्रेशर प्रोपोर्शन के अंदर लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ए मैन टेक्स हाफ टाइम रोइंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम. कह रहा कि जब अप, बस सिंपल सा जो पॉइंट है वो क्या है, डाउन स्ट्रीम मीन्स कि नीचे की साइड जाते. सिंपल आप एक ध्यान रखो कि जब भी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे थे उस मान के चलो कि डाउन जाना आपने. ठीक है, दैट मीन्स कि स्पीड ज़्यादा होगी. जब आपको अप जाना है तो आप स्लो चलते ना, स्पीड कम होगी. तो यही यहाँ पे हो रहा है कि जब आपके पास में, हम ये मान लेते हैं कि जो बोट है, बोट की स्पीड क्या है बी है. ठीक है, और जो करंट है, करंट की स्पीड क्या है हमारे पास में एस है. ठीक है, अब जब अप जाएगा, ध्यान से देखना, जब अप जा रहा है तब अप जाएगा पर्सन, तो अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लगेगा. जब डाउन जाएगा तो स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अपस्ट्रीम. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है, उस केस में क्या होगा कि स्पीड कम होगी, डाउनस्ट्रीम सॉरी जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा डाउनस्ट्रीम. ठीक है, जब अप जा रहा है तो स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लगेगा. क्लियर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. कितना हो गया 2b - 2s इज इक्वल टू b+s. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया 3s इज इक्वल टू बी. दैट मीन्स कि अगर मैं बी और एस की बी बाई एस देखें तो कितना आ जाएगा आपके पास 3:1, दैट मीन्स 3:1. ओके, सो आंसर विल बी 3:1. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. उसने कहा है कि जब डाउन स्ट्रीम जाता है ना तो उसको हाफ टाइम लगता है, सिंपल इतनी सी बात कही है. तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उस केस के अंदर हमारी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, कि उसके अंदर स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया. ठीक है, जब अप स्ट्रीम जा रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड उसके अंदर से माइनस हो जाती है.
जब माइनस हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसके इक्वल आ गया, उसने कहा हाफ है तो हमने यहाँ पे इसको हाफ कर दिया। क्लियर, सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास में बी बाई एस की वैल्यू आ जाएगी 3:1। ओके, सो ऑल दीज वर द क्वेश्चन आस्क्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बनते हैं, तो उनको और हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, कह रहे कि द टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज। यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी को एग्जाम्स के अंदर आ जाता है बार बार, ठीक है ना। कंसेप्ट भी यहाँ पे सिंपल सा है, क्या है, कह रहा है कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, एक तीसरा नंबर है जिससे उनकी कंपैरिजन किया गया। लेट अस कंसीडर कि जो थर्ड नंबर है उसको मैंने मान लिया 100, ठीक है, उसको हम 100 ले लेते हैं। 100 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारा रेशियो फाइंड आउट करनी और यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो आप ऐसा नंबर लेंगे जिसके अंदर कैलकुलेशन मिनिमम हो और परसेंटेज है, तो 100 से ज़्यादा बेस्ट नंबर कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 100। अब कह रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, देर आर टू नंबर, वन इज फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 20% मोर, दैट मीन्स दिस इज 100, देन द फर्स्ट नंबर इज 120 मोर हो गया ना, तो कितना आ जाएगा 120, एंड द सेकेंड नंबर इज 50% मोर, दैट मीन्स दिस इज 150, एंड बट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट रेशियो, रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है, सिंपल। ओके, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 4:5, सो आंसर विल बी 4:5। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीट ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स बायोलॉजी इन ए स्कूल आर इन रेशियो 5:7:8। कुछ रेशियोज के अंदर सीट्स हैं, कह रहे क्या, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन द रेशियो व्हाट 5:7:8, देयर इज ए प्रपोजल ऑफ इंक्रीज दीज सीट्स बाई 40%, 50% एंड 75% रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स 40% ऑफ मैथमेटिक्स, 50% ऑफ फिजिक्स एंड 75% ऑफ बायोलॉजी, क्लियर। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इंक्रीज्ड सीट्स, अब जो सीट्स इंक्रीज करने के बाद में जो भी आपके नंबर ऑफ सीट्स बनी है उनकी रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या है हमारे पास में, रेशियो मैथ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ भी एक्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ एक्स लेने की जरूरत नहीं, सिंपल समझो क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, 5:7:8 गिवन है आपके पास, ठीक है। अब कह रहा है कि जो पहले वाले उसको 40% इंक्रीज करना है, दैट मींस कितनी हो गई, जो भी वैल्यू थी एनीथिंग, ठीक है, उसका 40% इंक्रीज हो गया। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि द कंप्लीट वैल्यू इज ऑलवेज 100, हमेशा 100 होती है भाई, पहले 100% थी, अब उसके अंदर 40% और इंक्रीज हो गया, दैट मींस 140% हो गया, 140% ऑफ द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे हमारे पास में जो नई वैल्यू बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 140%, इज इट क्लियर। सेकेंड देखिए, 7 है, क्या कह रहा है, कितना इंक्रीज हो गया, 50%, दैट मीन्स नाउ इट इज 150%। यहाँ पे आप डायरेक्टली परसेंट लिख सकते हैं, परसेंट के साथ में परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फॉर द बायोलॉजी दिस इज 75%, सो दिस विल बिकम 175%। अब सिंपल हो गया, जस्ट कैलकुलेशन करनी है आपको और वैल्यू निकालनी, करिए। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज, यस, 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, ओके, नाउ अगेन 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, अगेन 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, अब 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, सो द रेशियो विल बी 2:3:4, ओके, सो द न्यू रेशियो विल बी 2:3:4।
अब देखो मैंने कितनी कैलकुलेशन करी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट रिमेंबर दैट कि जो टोटल वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज 100%, यस एवरीथिंग इज 100%, एंड इफ वी इंक्रीज बाय सम परसेंट देन क्या करना है, जस्ट ऐड दैट वैल्यू एंड दैट विल बिकम दैट परसेंट, दैट लाइक इट इज इंक्रीज्ड बाय 40%, सो इट विल बिकम 140%, ओके यस क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ए सम ऑफ 427 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट 3 टाइम्स ऑफ ए शेयर, 4 टाइम्स ऑफ बी शेयर एंड 7 टाइम ऑफ सी शेयर ऑल इक्वल द शेयर ऑफ सी इज, सी का शेयर आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। देखिए व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 3 टाइम्स ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ बी शेयर इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ सी शेयर, दिस इज गिवन, बट दिस इज नॉट द रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। सो कैसे करेंगे इसको आप, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है देन टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पे, दिस विल बी 84 आ गया, तो ये अपने पास आ जाएगा 21 एंड दिस इज 12, इज इट क्लियर। तो रेशियो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट, देखो ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में काफ़ी बार। देखिए 3A इज इक्वल टू, वो क्या कह रहा है 4B, दैट मीन्स A बाई बी इज इक्वल टू 4/3, दैट मीन्स A टू B की रेशियो क्या है हमारे पास 4/3। सेम भी अगर हम इसको देखते हैं दैट इज 4B इज इक्वल टू 7C, तो यहाँ से हमारे पास B और C की रेशियो में देखूँ तो कितनी होगी 7/4। अब देखो A बी सी, ए बी 4:3 एंड बी सी 7:4। अब इसका सिंपल मेथड क्या है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 28, 21 एंड 12। देखो यही तो वैल्यू है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको, ठीक है। डायरेक्टली कैसे किया वो भी बताती हूँ, हाँ जी डायरेक्टली कैसे किया मैंने, डायरेक्टली क्या किया हमने, इसका एलसीएम ले लिया 3, 4 एंड 7, 84 आ गया, ठीक है। अब देखो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 4 से करेंगे 21 और 7 से करेंगे कितना आ गया 12, तो डायरेक्टली आ गई वैल्यू आपकी, ओके। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है आपका, आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, एंड इफ यू गेट द रेशियो देन आफ्टर दैट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता, बस हो गया क्वेश्चन। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आ गया आंसर, हाँ जी करिए कोशिश एक बार, हाँ जी देखते हैं ए बी सी। तो रेशियो क्या आई थी हमारे पास 28, 21 एंड दिस वाज 12, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज द शेयर ऑफ सी इज, सी का शेयर आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, सी इज वैल्यू डिवाइडेड बाय सम टोटल, टोटल कितना आ गया 2, 4, 6, 8 और 2, 10, 61 इनटू टोटल वैल्यू 420, दिस इज 84, सो 84 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके यस क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 3 बास्केट्स आर इन रेशियो 3:4:5, इन विच रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन फर्स्ट 2 बास्केट्स मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट द न्यू रेशियो बिकम 5:4:3, यस। देखिए पहले क्या है आपके पास में रेशियो, 3 बास्केट्स है, लेट अस कंसीडर दिस इज ए बी सी, ठीक है, इसमें कितनी है 3:4:5। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनके अंदर मैं कितने और इंक्रीज करूँ कि इसमें फर्स्ट सेकंड के अंदर, सो दैट जो न्यू रेशियो है वो कितनी हो जाए मेरे पास में 5:4:3, ओके। सो लेट अस कंसीडर कि जो फर्स्ट पहले जो है हमारे पास में नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितनी थी, दिस वाज 3x, दिस इज 4x एंड दिस इज 5x, एंड नाउ दिस इज 5y, दिस इज 4y एंड दिस इज
3y. बट इन द क्वेश्चन यू कैन से कि जब आपके पास में दोनों में तो वैल्यूज इंक्रीज हुई है, उसने कहा फर्स्ट टू बास्केट्स इंक्रीज, तो यहाँ पे भी तो वैल्यूज अपने इक्वल होनी चाहिए, ये वाली तो सेम रहनी चाहिए ना, जब इनकी तो इंक्रीज होगी. चलो ठीक है, हाँ वैल्यूज मैंने सही लिखी है, दिस इज 3, 4, 5 एंड दिस इज 5, 4, 3. यस ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम कह सकते हैं कि जो 5x है दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 3y के इक्वल होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स कि अगर मान लो मैं इस सबको x में अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x/3. डन. दैट मीन्स कि अगर पहले मेरे पास में जो वैल्यूज हैं ये थी, ये क्या है, बिफोर एडिशन, ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर एडिशन इन द फर्स्ट टू बास्केट्स. ओके, तो 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 × 5/3x, दैट मीन्स व्हाट, 25/x. ओके, सेकंड का अगर मैं देखूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, 4 × 5/3x, दैट मीन्स व्हाट, 20/3x. ओके, अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5/3x, दैट मीन्स 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5x. नाउ यू कैन सी दिस 5x इज इक्वल टू व्हाट, 5x, क्योंकि जो थर्ड वन है थर्ड में तो इंक्रीमेंट किया ही नहीं. अब अगर ये दोनों इक्वल है तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ है. तो देखो फर्स्ट के अंदर आप देखो कितना था, बिफोर आफ्टर, पहले कितना था, 3x था, बाद में कितना हो गया हमारे पास में, 25/3x. यस, दिस इज 25/3x. यहां से इसको थोड़ा सा देख लेना, 3x. ओके ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कितना आया, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ आपका, 16/3x का हुआ. इसके अंदर से मैंने इसको माइनस कर दिया. दूसरा केस देखो, सेकंड बास्केट के अंदर, दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है. हाँ जी, अब ये बी ए, ये बिफोर है, ए बी नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप, बिफोर दिस इज आफ्टर, ठीक है. दिस इज फर्स्ट वन, फर्स्ट बास्केट, अब हम सेकंड की बात करते हैं. सेकंड के अंदर देखिए पहले कितना था, 4x, बाद में कितना हो गया, 20/3x. ओके, दैट मीन्स कि कितना इंक्रीज हो गया, इसको 12 माइनस किया, दिस इज 8/3x, 8/3x का इंक्रीज हो गया, सिंपल. अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 3 बास्केट्स आर इन विच रेशियो, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड फर्स्ट टू बास्केट्स मस्ट बी इंक्रीज. सो द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंक्रीमेंट कितना इंक्रीज हुआ, फर्स्ट के अंदर 16/3x एंड द सेकेंड वन इज 8/3x. x से x कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 2:1, दैट मीन्स 2:1. सो आंसर इज 2:1. क्लियर? अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आती है, जैसे लाइक कि अभी मैं कोई भी टॉपिक है, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन का चाहे एवरेज का है, तो जो माइक्रो कोर्सेज है उसके अंदर कंप्लीट भी अवेलेबल है. सो यू कैन टेक कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एनी टॉपिक फ्रॉम माइक्रो कोर्सेज. ओके, यस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम द नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट वॉज 4 times द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट. एक एग्जामिनेशन है, कह रहे द नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स आर 4 times द फेल्ड स्टूडेंट्स. दैट मीन्स फेल इज 1, देन दिस इज 4. दैट मीन्स इफ दिस इज x, दिस इज 4x. यस, नेक्स्ट इफ देयर आर, इफ यस दिस इज रेशियो, एंड इस यहाँ पे मैंने इसको रेशियो की बजाय डायरेक्ट वैल्यूज के अंदर ले लिया. आगे क्या कह रहा है, इफ देयर हैड बीन 35 fewer appeared स्टूडेंट्स एंड 9 more हैड फेल्ड और नो और फेल हो जाते, देन द रेशियो ऑफ द पास टू फेल स्टूडेंट्स वुड बिकम 2:1.
तो जो रेशियो वो क्या हो जाती, 2:1 हो जानी थी. देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन आर. क्वेश्चन इज क्लियर. अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि अगर 35 कम होते अपीयर, तो यहाँ पे पहले देखो कि टोटल अपीयर कितने हैं. x फेल है, 4x पास है, दैट मींस कि 5x है. ओके अब वो कह रहा है कि अगर टोटल अपीयर 35 कम होती, दैट मींस कि अभी जो टोटल अपीयरिंग है वो क्या होती है आपकी 35 कम हो जाती. ठीक है, इन दैट केस द सॉरी अपीयर्ड स्टूडेंट एंड 9 फेल हो जाते, इन दैट केस द रेशियो ऑफ द पास टू फेल. तो अब हम अगर मैं देखूं तो मेरे पास्ट कैंडिडेट्स कितने हो जाते भाई, टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास कैंडिडेट्स, 35. अब फेल जो है, फेल पहले कितने थे x, अब फेल कितने हैं x प्लस 9, दैट मींस कि इसके अंदर से मेरा 9 कम हो जाता. ये पॉइंट क्लियर हो गया. वो कह रहा है कि जो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट इतने थे, अब फेल अगर मैं टोटल ये मेरे टोटल है, यस ध्यान से देखेंगे, ये मेरा टोटल, अगर मैं टोटल के अंदर से फेलियर को माइनस कर दूं, देन आई विल गेट द पास कैंडिडेट्स. यस, तो यहाँ पे आप देखो कि फेल कितने हो गए, उसने कहा कि 9 ज्यादा फेल हो गए, तो दैट मींस x प्लस 9 फेल हो गए, टोटल कैंडिडेट्स आर 5x माइनस 35. अब इसके अंदर से फेलियर को मैंने माइनस कर दिया, सो दिस विल बी व्हाट, इज इट क्लियर. अब उसने कहा क्वेश्चन के अंदर कि दिस रेशियो इज 2:1, सो 4x माइनस 44 बाई x प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 2:1. यू विल सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू, दिस इज 4x माइनस 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 18, सो दिस विल बी 2x, यस दिस इज 2x एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 31. ओके, नाउ द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट वर 5x, सो इफ दिस इज 5x दैट मींस व्हाट, 5 × 31, दैट मींस 155. सो द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स आर 155. यस, यहाँ पे हमने कंसिडर किया था ना 4x एंड x, तो टोटल हो गया था 5x, तो 5x की वैल्यू, x की वैल्यू है 31, तो 5x की कितनी हो जाएगी, 5 × 31, दैट इज व्हाट, सो आंसर विल बी 155. ओके, सो आई थिंक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर हम प्रीवियस तो हमने किए ही हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं, तो अच्छे से क्लियरिटी आप लोगों को आ गई होगी. फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है तो दो अपना वीडियो है, वीडियो के साथ में ही आपका एक टेस्ट अवेलेबल है सेम टॉपिक पे, तो आपने वो भी अटेम्प्ट करना है, सो दैट कि आपको पता चल जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंसेप्ट हमारा कितना क्लियर है. अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो माइक्रो कोर्सेज के अंदर कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा वीडियोज़ हैं आपकी, 3 to 4 वीडियोज़ अवेलेबल हैं. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल है, स्टडी नोट्स अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो माइक्रो कोर्सेज में जाके. क्लियर है? यस, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच.